लो ले लो बेटा, कुछ नहीं है, बलून है बेटा, लो पकड़ो। तो गाइज आज 8 बज गया है और सोना अभी तक सो रहे हैं, तो उन्हें जगाते हैं और एक नए स्टाइल में, भाई होली है तो होली के स्टाइल में उन्हें जगाते हैं। चलो बेटा आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नक्श ऐसे चला रहे हैं, ऐसे थोड़े ना चलाते हैं। गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। आज आप जिम क्यों नहीं गए? अलार्म अभी तक बज रहा है तुम्हारा। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो गाइज फिलहाल सोना को जगा दिया है और अब वो बच्चों के साथ है और मैं आ गई हूँ यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने। और आज है होलिका दहन भी, तो आप सभी लोगों को होलिका दहन की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए अब मैं मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे होलिका दहन की तैयारी कर रखी है, तो आज शाम को यहाँ पे इसे जलाया जाएगा। और यहाँ ना नीचे मिट्टी मिट्टी डाली हुई है ताकि ये जो फ्लोर है ये ख़राब ना हो। वैसे हमारे यहाँ होलिका दहन नहीं होता है, हमारे यहाँ 5 दिनों की होली होती है, बट यहाँ पे ना होलिका दहन देखने हम आज शाम को आएंगे। गाइज अभी पता है किसी ने ऊपर से बलून फेंका और मैं बाल बाल बच गई, तो अभी फ़िलहाल हम ना घर चलते हैं, पता चला मैं भीग गई अच्छे से। खैर भीगना तो जो भी हो, उसे लगती बहुत तेज की है ना। चलिए चलते हैं, वैसे वॉक मेरी हो गई है। बिंदा पापा कहाँ है बेटा? पापा कहाँ है? क्या कर रहे पापा बेटा? सो रहे हैं? हाँ आप जग रहे हो, मम्मा जग रही है, पापा क्यों सो रहे हैं? भैया, भैया के साथ सो रहे हैं? जगा के आए दोनों को? पक्का? कैसे जगाएंगे, क्या बोलेंगे? उठो बोलेंगे। चलो है बेटा। पापा तो गाइस सोना तो बस सोते रहते हैं, नक्शु के चक्कर में सोना खुद सो रहे। सोना ये गलत बात है, नक्शु की आड़ में तुम सो रहे हो। कुछ काम कर लेते हैं, वो बलून लेके आए थे उसमें कल वो पानी भर देते हैं, भर के रख देते हैं। तो गाइज हमने वेट नापने वाली मशीन यहाँ डाली थी और ये यहाँ निकाल दी, इसने यहाँ पे छुपा दी। और नक्शो अभी जगेगा ना तो वो भी करेगा। कितना है? 10 है, पता है उसको सब कुछ। तो गाइज हम लोग ये वाले बलून लेके आए हैं जो एक साथ बहुत सारे फूल जाते हैं ना, तो देखते हैं कैसे होते हैं। तो ना आर यू एक्साइटेड? इतने स्लो साउंड कर रहे हो तो लग ही नहीं रहा। वेरी मच एक्साइटेड। तुम एक्साइटेड से ज्यादा नींद में लग रहे हो। क्या है ये बलून? क्या है? बाहर निकल जाएंगे। ओ तो गाइस ये ना ऐसे हो रहे हैं, प्रॉपर करो। तो ना गाइस जैसे जैसे ये भर जाएंगे ना, वैसे वैसे ये बाल्टी में गिर जाएंगे, जैसे ये गिरा है। होली है। क्या है ये? अच्छा देखो, इसे नीचे से फेंकेंगे, ऐसे नीचे फेंकेंगे। फेंके लो है? नहीं फेंके? किसके सर पे फेंके? 1 2 3 अरे नहीं रहा, 1 2 सॉरी सॉरी बेटा। देखो देखो पापा कैसे मारेंगे हम। 1 2 देखो इधर ना बेटा, लगा नहीं लगा? दूसरे लाना पड़ेगा ना। नंदिनी को ना डर लग रहा है इसमें। बेटा डरने की कोई बात नहीं है, ये लो लो, अरे ले लो, अरे लो ले लो बेटा, कुछ नहीं है, बलून है बेटा, लो पकड़ो। डर लग रहा है आपको इससे? क्या होगा इससे? अरे पिचकारी में जैसे कलर भरा था ना बेटा। अरे सुनो तो सही, आप डर क्यों रही हो? तो गाइस नंदिनी डर रही है बलून से। क्यों डर रही हो आप? तो गाइस ये कैसा गुब्बारा है सोना, ये तो फूट ही नहीं रहा है, नीचे जाने में फूटेगा। कोई है? मैं किसी के सर पे नहीं मारना चाहती। तो गाइस फूट गया गुब्बारा। तो गाइस इस बलून को नीचे फेंक के देखते हैं। वैसे हम किसी के सर पे नहीं मारना चाह रहे हैं क्योंकि लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो हम ऐसे ही फेंकते हैं। तो गाइज अब बाकी बचे हुए गुब्बारों को तब फुलाएंगे जब नक्शु जग जाएगा, क्योंकि नंदिनी तो डर रही है तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि नक्शु एंजॉय करेगा, तो देखते हैं जब वो जग जाएगा ना तब इन्हें फुलाएंगे।
नंदिनी, तो गाइस नंदिनी ना बलून से बहुत ज्यादा डर रही है। आपको डर लग रहा है बलून से? इसके हाथ में 2-3 बलून फूट गए ना, हवा भरे वाले, वो उससे डरने लगी। और नक्श को मजे आ रहे हैं बलून से। आ जाओ बेटा बाहर, बलून देखेंगे आपका। कहाँ है बलून? कपड़े गंदे करेंगे। पानी वाला उठाना है? यला नहीं ये वाला नहीं जाएगा नीचे। इसको नीचे फेंकेगा, एक बार फेंकेगा तो कहाँ जाएगा देखते हैं। लो फेंको बेटा, हाँ यहाँ से डाल। ये हवा भरा वाला गुब्बारा है ना, देखो फूटा भी नहीं बेटा। नंदा ने भी डालना है। अब नंदा को भी मन करने लगा। निकालो निकालो बेटा निकालो। नहीं बाबू, मम्मा ने कुछ नहीं किया, मैंने वो कह दिया ना। निकाल लो, लो ऐसे पकड़ो, पकड़ो नीचे फेंको, ऐसे फेंको। डर रही है नंदिनी। नंदा क्यों डर रहे हो बेटा? पापा की गोदी। चलो कहाँ जा रहे हम? नंदा कहाँ जा रहे? सारे फेंक दी, किसी के सर में मारेगा बेटा। अब नहीं बाबू, अब नहीं, अब हो गया बेटा। वह नीचे काम चल रहा है बेटा, भैया के सर पे लग जाएगी। अब नहीं बेटा, चलो डन 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 बेटा डन। अब ये ताऊजी के घर ले जाओ, ताऊजी को दे देना, ठीक है? अब ये लेके जाता है। हाँ तिथकी किसको दोगे नंदिनी? नंदा का है। अब डर तो नहीं लगेगा ना? चलो तो गाइज अभी फिलहाल चलते हैं बच्चों के ताऊजी के घर। कब से नंदिनी बोल रही है ताऊजी ताऊजी ताऊजी। नक्शु भी ट्राई कर रहा है बोलने की, बट वो नहीं बोल रहा है। तो वहां चलते हैं और उसके बाद फिर हमें होलिका दहन भी देखने जाना है। तो चलिए अभी चलते हैं। तो आज नक्शु ने और उसके पापा ने मैचिंग मैचिंग पहना हुआ है। ताऊजी के लिए बलून लेके आया है। पानी है उसके अंदर। ये पानी नहीं है, उसने गाड़ी में पानी है। अरे नव्या दीदी ने नंदा को दिया है हेयर बैंड। दिखा अपना हेयर बैंड, दिखा बेटा। किसने दिया आपको? कीप भी दिखा दो। वाव, नव्या दीदी ने नंदा को दिया है ये। वाव, तो गाइज अब रियो जाने वाला है अपने नए स्कूल। अभी तक ये प्ले स्कूल में जाता था ना, तो अब ये वहाँ के लिए अपने ड्रेस लेके आ गया है, शूज लेके आ गया है। तो वो दिखा रहे ये। और नक्शु ने हड़प लिया है रियो का लैपटॉप। नक्शु क्या है ये बेटा? लैपटॉप है? और आज है किचन भैया के हवाले। भैया चिप्स बना रहे हैं। ये किसके वाले हैं? ये वाले सही होंगे शायद। ये ज्यादा अच्छे होंगे, ये स्पाइसी होंगे। हाँ नहीं, ये बेस्ट होंगे, ये वाले बेस्ट। तुम यही खाना। आप क्या खा रहे हो? दोनों। कैसा है? कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? तो गाइज ये है हमारे ताऊजी। इनकी रिसेंटली हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है ना, तो अभी रिकवरी कर रहे हैं। वैसे पहले से काफी हद तक रिकवरी हो चुकी है, बट अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। बाय दादाजी। तो गाइज अभी निकलने वाली है कान्हा जी की शोभा यात्रा, तो उसमें ना फूलों की बरसात होगी, तो हम लोग भी चल रहे हैं, आप लोग भी देखिए। नंदिनी यहाँ पे स्पीकर्स की आवाज से ना घबरा सी गई है। Thank you.
गाइस फिलहाल श्याम बाबा की शोभा यात्रा से हम लोग वापस आ गए, लेकिन ना नंदिनी थोड़ा इरिटेट हो गई थी, उसे नींद भी आ रही थी और थोड़ा बहुत नॉइस की वजह से ना वो डर जा रही थी। खैर अभी फिलहाल वो सो गई है और वैसे यात्रा अभी भी चल रही है, पीछे आवाज़ आ रही है, लोग डांस कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था वहाँ पे। फिलहाल हम लोग घर आ गए हैं और अभी फिलहाल हम लोग कर देते हैं पूजा। तो गाइस होलिका दहन में हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि नक्ष और नंदिनी दोनों ही सो गए थे, बट अभी ये लोग ना जग गए हैं तो इन्होंने अपनी नींद पूरी कर ली है एक डेढ़ दो घंटे की, और अब पता नहीं कितना टाइम ये लोग लगाने वाले हैं सोने में। फिलहाल गाइज आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कल हम लोग खेलेंगे जम के होली, वो भी डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर। खैर मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।